ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम रीजनिंग के अंदर पढ़ेंगे शब्दों का अनुक्रम। शब्दों के अनुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वर्ड अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? वर्ड अरेंजमेंट। देखो, वर्ड अरेंजमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड अरेंजमेंट आप ध्यान देना, वर्ड अरेंजमेंट पर। वर्ड का मतलब क्या है? यहां पर शब्द है, और अरेंजमेंट का मतलब क्या है? एक तरीके से अनुक्रम। और अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी ने किसी चीज का हमको क्या करना, अरेंजमेंट करना। यानी कहने का मतलब उनको हमको सिस्टमेटिक तरीके से क्रम से जमाना। ठीक है, तो अरेंजमेंट तो दो तरीके से होता है। वैसे तो कितने तरीके से होता है? इसका योगदान क्या है अरेंजमेंट का? मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले मान लो क्या होती है, एंगेजमेंट होती है, यानी सगाई होती है। ठीक है, और ये एक नंबर पर आता है। उसके बाद क्या होती है? शादी विवाह होता है, या शादी होती है, ये दो नंबर पर आता है। और तीसरा क्या होता है? बच्चे। और चौथा क्या आता है? चौथा मान लो आप इसमें एक तरीके से पढ़ाई मान लो। ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब A to Z मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें वर्ड तो, और ये रियल लाइफ पर ही आधारित है। क्या? वर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो, आप ध्यान से सुनना, या तो 1 2 3 4 में आएगा, यानी कहने का मतलब 1 2 3 4, या क्या आएगा? 4 3 2 और 1। तो 1 2 3 4 ये बढ़ते क्रम में है। ये किस में है? बढ़ते क्रम में। और ये किस में है? घटते क्रम में है। घटते क्रम में है। तो आपने दो चीज देखी, एक इसको हम बोलते हैं हिंदी शब्द अनुक्रम। समझ में आया? तो अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं? देखो, अनुक्रम जो होते हैं ना, वो चार प्रकार के होते हैं मेनली। वैसे तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है, जैसे मैं आपसे बात करूं, अर्थपूर्ण क्रम। क्या आता है? अर्थपूर्ण क्रम इंग्लिश इंग्लिश वर्ड यानी अंग्रेजी शब्द अर्थपूर्ण क्रम। कहने का मतलब क्या है? इंग्लिश में वर्ड होगा, उनका कोई अर्थपूर्ण मतलब शब्द होगा, और उसका कोई क्रम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इंग्लिश अर्थपूर्ण शब्द क्रम। बात आ गई समझ में? ठीक है, सेकंड क्या आता है? हिंदी हिंदी शब्द अर्थपूर्ण क्रम। और थर्ड क्या आता है? मैंने आपसे थर्ड कह दिया कि एक तरीके से तीसरा, जैसे फोन, देखा आपने फोन, फोन बुक आपने सुना होगा, फोन बुक रिलेटेड होता है ये। फोन बुक को और क्या बोल सकते हैं बताओ? फोन बुक को क्या बोल सकते हैं? शब्दकोश, यानी डिक्शनरी पर आधारित। किस पर? फोन बुक भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको? डिक्शनरी, DICTION, डिक्शनरी। ठीक है, सही है। डिक्शनरी की मीनिंग डिक्शनरी पर आधारित है। किस पर आधारित है? डिक्शनरी पर आधारित। ठीक है, और उसके बाद किस पर आधारित है? तीन हो गए, मैन तो तीन ही है वैसे, है ना? कितने हो गए? तीन। तो देखो, मैंने जो थर्ड एग्जाम्पल दिया, जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया ना, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। तो ये क्या है, किस पर आधारित है? यह है हिंदी शब्द अर्थपूर्ण क्रम पर आधारित। और इंग्लिश वर्ड की अगर हम बात करें, जैसे इंग्लिश वर्ड की हम बात करें, तो इंग्लिश वर्ड में मैंने आपको सबसे पहले क्या लिखवाया था? फैमिली। सबसे पहले क्या है इसमें? जैसे फैमिली, सबसे पहले क्या है? फैमिली। और दूसरा क्या है इसमें? कम्युनिटी, कम्युनिटी। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? मेंबर।
और चौथा क्या है? लोकल टी, ठीक है। और पांचवा क्या है बताओ? पांचवा क्या है? कंट्री है ना। कंट्री कितने हो गए? पांच ही हो गए। इनको आप क्या बोल सकते हैं? इनको आप क्या कह सकते हैं एक तरीके से बताओ? इनको आप कह सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट। लेकिन इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट तो है, लेकिन ये बात रखना ये क्या है, इनका कोई ना कोई अर्थ होता है, इनकी मीनिंग होती है। अरेंजमेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट। इंग्लिश के जो शब्द हैं उनकी मीनिंग का अरेंजमेंट, बात आ रही समझे, उसके आधार पर है। और ये बहुत टफ माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जिसकी बढ़िया होती है वो इसको कर पाता है, वरना इसको हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। और आजकल इसके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए हैं, ठीक है। तो पहला ये है, दूसरा क्या है? ये है हिंदी शब्द। ये किस पर आधारित है? हम लिख सकते हैं इसको, ये किस पर है? हिंदी वर्ड, हिंदी वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट, वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या है? हिंदी पर है। और जो थर्ड है ना, ये तो क्या है आपका? फर्स्ट हो गया, एक क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया, और तीसरा क्या हो गया आपको? तीसरा और बता दूंगा, ये क्या है आपका? डिक्शनरी। वैसे तो एग्जाम में पूछा जा रहा है DICTION डिक्शनरी, ठीक है, इस डिक्शनरी पर आधारित। डिक्शनरी पर आधारित मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने आपसे कह दिया कि कैट, क्या कह दिया? कैट। फिर कह दिया मैंने आपसे कैमल, ठीक है। फिर क्या कह दिया? कैरट। तो ये कितने हो गए? तीन हो गए ना, ये तीन हो गए। अभी तो मैंने सिंपल लिखे हैं आपको समझाने के लिए। तो इन पर आपको क्या करना है? आपको आंसर देना है इन तीनों का। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया, पहला तो है इंग्लिश वर्ड अर्थपूर्ण क्रम, ठीक है, और दूसरा क्या है? हिंदी शब्द अर्थपूर्ण क्रम, और तीसरा क्या है बताओ? फोन बुक या डिक्शनरी पर आधारित, ठीक है, तीसरा ये है। तो आप क्या करेंगे, जो इंग्लिश वर्ड है ना, इंग्लिश वर्ड जो मीनिंग अरेंजमेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप ये याद रखो कि अगर आपको इनका वर्ड पता है, फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार होता है, परिवार, फैमिली का मतलब होता है परिवार। दूसरा क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समाज होता है क्या? कम्युनिटी का मतलब होता है समाज। मेंबर का मतलब क्या होता है? चौथा क्या है? स्थानीय होता है। और कंट्री का मतलब क्या होता है? देश होता है। तो आप इनमें बताओ सबसे पहले किसका जन्म होना चाहिए? एक एक मेंबर जो होगा ना, वो क्या बनाएगा? परिवार बनाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? मेंबर। पहला क्या आएगा? मेंबर। फिर उसके बाद क्या आएगा? मेंबर, एक एक मेंबर क्या बनाएंगे? तो पहले क्या आएगा? फिर एक, फिर क्या आएगा बताओ? एक एक मेंबर मिलकर क्या बन जाता है? समाज बनता है ना। और एक एक समाज मिलकर क्या बन जाता है? वहां पर ढाणी मोहल्ला ये बन जाता है। फिर इसमें डायरेक्ट आपको क्या दे रखा है? देश दे रखा है। फिर हम देश बनाते हैं। तो जो सबसे पहले आएगा ना, वो तीन नंबर आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? एक नंबर आएगा। फिर क्या आएगा? दो नंबर आएगा। फिर आएगा चार नंबर। फिर क्या आएगा? पांच नंबर। तो यानी जो ऑप्शन होगा ना आपका, उसमें 31245 होगा, या फिर क्या होगा? 54213 होगा, है ना। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में 31245 होता नहीं है, उसका उल्टा दिया होता है, पहले पांच, फिर चार, फिर दो, फिर एक, फिर तीन। तो आपको जैसे ही ऑप्शन देखना है, वैसे ही जो आपका आंसर आ रहा है उसको एक बार उल्टा करके और देख लेना है कि हो सकता है उसका आंसर ये दे रखा हो। तो आपको क्या करना है? इसी प्रकार से इसका आंसर देना है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं?
मैं यहां पर इसको वापस से चेंज करके लिख देता हूं, इंग्लिश वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसलिए आपकी गलती नहीं हो, ये मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं इसको, ठीक है। इसको ये बोलते हैं। तो आप मेरे हिसाब से इस बात को समझ गए होंगे, इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट को। सेकंड आता है हिंदी वर्ड अरेंजमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है बताओ, सबसे पहले क्या आता है इनमें से? पहले क्या होनी चाहिए? सगाई होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए बताओ? सबसे पहले क्या होनी चाहिए? पढ़ाई होगी। तो पहले आएगा चार, फिर क्या होना चाहिए? सगाई। फिर क्या होना चाहिए? शादी। फिर क्या होनी चाहिए? बच्चे। तो 41-23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी पहले चार, फिर क्या आएगा? एक। फिर क्या आएगा? दो। फिर क्या आएगा? तीन। क्या बताओ, आप ये बात समझ गए या नहीं समझे बताओ? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? उसके बाद आता है डिक्शनरी। ये वैसे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका स्टार लगा दो। और ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में जो जिस टाइप से क्वेश्चन आ जाए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे यही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, सभी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो इसमें क्या है, ये क्या है? कैट है। जैसे क्या है? कैट। फिर क्या है? कैमल। फिर क्या है? कैरेट। आप बताओ, सब में सीसी आ रहा है, सब में सीसी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? अभी तक तो कोई चेंज है नहीं। फिर इसमें भी ए आ रहा है ना, अभी तक कोई चेंज नहीं है। फिर ये देखो कि टी पहले आएगा या एम एम पहले आएगा या आर पहले आएगा? एम पहले आएगा। एक नंबर पर तो ये हो गया, और दो नंबर पर ये हो गया, और तीन नंबर पर ये हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा बताओ? बताओ हमारा राइट आंसर सबसे पहले क्या आएगा? एक। लेकिन इसका नंबर क्या है? दो है। इसका नंबर दो है लेकिन इसका नाम कितना है? तीन। उसका क्या है? नंबर एक है लेकिन वो लास्ट में सॉरी एक मिनट, एक एक का क्या आ गया? दो। दो का तीन, और तीन का क्या है? एक। तो राइट आंसर दो, 2-3-1 होगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी, इसमें यही कंफ्यूजन होती है कि तीन नंबर तो यह आ रहा था, तीन नंबर यह रहा था, एक नंबर यह आ रहा था और दो नंबर यह आ रहा था। तो आपके हिसाब से क्या है इसका आंसर? 123 भी उसमें होगा, 1-2-3 भी होगा। वन पहले यह आ रहा है, फिर दो आ रहा है, फिर तीन आ रहा है, लेकिन उसका नाम क्या है? अलग है। एक का नाम जो है ना वो क्या है? दो है। और दो का नाम जो है वो क्या है? और तीन का नाम जो क्या है? तो यही मिस्टेक एग्जाम में लोग बाग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम में मिस्टेक नहीं करनी है। तो हमने अभी तक इनको थोड़ा बेसिक देखा कि इसमें शब्दों के अनुक्रम में इसका बेसिक क्या है। तो तीन टाइप के सवाल इंपोर्टेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तीन टाइप के इसमें सवाल पूछे जाएंगे। एक तो फोन बुक पर आधारित होगा, ठीक है। दूसरा इसको नाम दे सकते हैं डिक्शनरी पर आधारित। दूसरा होगा किस पर? इंग्लिश हिंदी, हिंदी वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट। और जो मैं मोस्ट होगा ना, जो आपने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, वो है इंग्लिश वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बताओ इसको, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत कम की है पहले भी, ठीक है ना। तो इसमें तीन हो गए। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। तो यहां तक आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड अरेंजमेंट, और आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो, जांच, आवेदन, साक्षात्कार, नौकरी प्रस्ताव, और उसके बाद है नौकरी शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जांच। पहले नंबर पर क्या है? जांच। दूसरा क्या है? आवेदन। और थर्ड क्या है बताओ? थर्ड है साक्षात्कार। और उसके बाद क्या है? नौकरी। चौथा नौकरी
प्रस्ताव है ना, और पांचवा क्या है नौकरी शुरू, नौकरी शुरू। देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है और इस पर आपको फोकस करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। बताओ सबसे पहले इसका आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहला बताओ जांच शब्द को देखो आप, जांच। दूसरा शब्द देखो आवेदन। आपको कैसे करना होता है इन क्वेश्चंस को बताओ, देखना। ये पांच वर्ड दे रखे हैं आपको, कितने वर्ड दे रखे हैं, और पांच वर्ड में पांच ही क्या आएंगे इसके अंदर, ऑप्शन के अंदर संख्याएं आएंगी। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर एक दो तीन चार पांच अगर ये दे रखे हैं तो इसमें नंबर में आपको दिक्कत आती है कि हम गलती करते हैं इसमें। ये गलती आप बिल्कुल नहीं कर रही, यही गलती करते हैं बच्चे। अगर समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो आपको एक दो तीन नंबर जैसे दे रखे हैं वैसे ही आप लिख देते हैं। एक नंबर पर जांच आएगा, दो नंबर पर आवेदन, तीन नंबर पर नौकरी, तो आप गलत, हमारा सब क्वेश्चन क्या है गलत हो जाता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखो आप इस पर फोकस करो कि जो ये एक है ना यहाँ पर, ये एक, इसको ध्यान से देखो, ये दो, ये तीन, और ये क्या है चार, ये क्या है पांच। सबसे पहले बताओ इंटरव्यू हो जाता है कि बताओ इंटरव्यू किसके बाद होता है भाई, आवेदन होता है उसके बाद क्या होता है, किसकी जांच होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जांच होती है, तो जांच से पहले इंटरव्यू हो सकता है कि बताओ भाई, जांच से पहले इंटरव्यू हो सकता है क्या, तो इंटरव्यू कब होता है भाई, डॉक्यूमेंटों की जांच कब होती है, इंटरव्यू के बाद ही होती है ना, बताओ ना। जैसे कोई आरएस का एग्जाम था, पहले रिटर्न हुआ, फिर उसके बाद मेंस होता है, यानी पहले प्री हुआ फिर मेंस हुआ फिर क्या होता है इंटरव्यू, उसके बाद ही तो होगी डॉक्यूमेंटों की जांच। नहीं बैठी बात समझ में, बताओ। तो सबसे पहले इसमें देखो आवेदन में देखो आप, पहले क्या आना चाहिए बताओ, पहले क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, आवेदन आना चाहिए सबसे पहले, फॉर्म भरे, पहले फॉर्म भरते हैं सबसे पहले, और साक्षात्कार आना चाहिए मतलब उसके बाद, ठीक है। और चौथा क्या दे रखा है, नौकरी का प्रस्ताव, नौकरी का प्रस्ताव, और उसके बाद क्या होती है नौकरी शुरू। तो लास्ट लास्ट में क्या है, नौकरी शुरू आएगा ना, यानी लास्ट लास्ट में क्या आएगा, पांच आएगा। तो इसमें जो पांच आपको ऑप्शन में दे रखा है ना, दो ही उसमें है ऑप्शन में, एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए किससे शुरू है, सबसे पहले एक नंबर से शुरू है, यानी एक नंबर पर क्या आएगा देखो, यानी जांच जो है ना एक नंबर पर है कहने का मतलब, और दूसरा जो है ना वो पहले है आवेदन। तो बताओ पहले आवेदन आएगा या पहले जांच आएगी, ये बताओ मुझे। सबसे पहले क्या आएगा, आवेदन होगा, फिर क्या होगा देखो, पहले आवेदन लिख दिया मैंने, पहले नंबर लिख दिया उसका दो, क्या लिख दिया दो नंबर पर क्या कर दिया मैंने आवेदन, फिर उसके बाद क्या है एक नंबर पर जांच, फिर उसके बाद क्या है तीन नंबर पर क्या है इंटरव्यू, फिर क्या है चार नंबर पर क्या है नौकरी का प्रस्ताव, और पांच नंबर पर क्या है बताओ नौकरी शुरू। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए बताओ, 21,345 इसका क्या आना चाहिए आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, समझ में आया क्वेश्चन यह है, कोई डाउट है तो बोल देना आप इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन हिंदी में लिख दो आप सेकंड क्वेश्चन। देखो पहला लिखो आप इसके अंदर अब किलोग्राम, दूसरा है ग्राम, पहला क्या है किलोग्राम, दूसरा क्या है, दूसरा है ग्राम, और तीसरा क्या है
क्विंटल, और चौथा क्या है, क्विंटल के बाद है डेसीग्राम, फिर है मिलीग्राम। और पांचवा क्या है, मिलीग्राम। ठीक है, बताओ इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसे कोई सवाल आए, फिजिक्स में भी पढ़ाया और मैथ में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, देखो करो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा। किलोग्राम में क्या होता है, देखो किलोग्राम क्या है, केजी से क्या बनता है बताओ, क्विंटल बनता है ना। अरे केजी से क्या बनता है, क्विंटल बनता है। तो इस तीन के बाद क्या आना चाहिए बता दो आप भाई, किलोग्राम के बाद क्विंटल आएगा तो एक के बाद क्या आना चाहिए, तीन आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अरे किलोग्राम से क्विंटल बनता है ना, एक एक किलो बन के क्या बन जाएगा, क्विंटल बन जाएगा। उसके बाद ये मिलीग्राम क्या होता है, 10^-3 होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, एमजी जो होता है 10^-3 होता है, और डेसीग्राम क्या होता है, केवल 10^1 होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पांच नंबर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पांच नंबर। अब मुझे ये बता दो आप कि पहले ग्राम जो बनेगा वो एमजी से, ये डेसीग्राम बनेगा या फिर ग्राम बनेगा, पहले ग्राम से क्या है बताओ, छोटी है ना डेसीग्राम। अरे मैं आपसे बात करूं, किलोग्राम से छोटा है ना ग्राम, तो ग्राम जो होगा डेसीग्राम से छोटा होगा या बड़ा होगा बताओ, छोटा होगा। क्या आएगा, छोटा आना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या आया, मिलीग्राम आ गया। एमजी से बड़ा क्या है बताओ, ग्राम तो कितना भी हो सकता है ना, तो ग्राम बड़ा होगा ना। बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, ग्राम से बड़ा होगा ना डेसीग्राम, हाँ या ना, ये बताओ पहले, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात, ग्राम बड़ा होगा या डेसीग्राम बड़ा होगा, डेसीग्राम बड़ा होगा। उसके बाद ग्राम क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, बात आ गई ना समझ में, क्यों होगा, क्योंकि जो डेसीग्राम है ना इसमें फिक्स बता रखा है क्या है, 10^1 ग्राम। नहीं बता, नहीं मेरी बात समझ में, और ग्राम तो एक भी हो सकता है ना, इसलिए क्या होगा, डेसीग्राम बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54213। बैठ गई बात समझ में, नहीं बैठी। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, घुटने नाभि, पहला है घुटने, दूसरा है नाभि, तीसरा है ठोड़ी और फोर्थ है कमर और पांचवा है भौंहें। बताओ इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहला घुटने नाभि, फिर ठोड़ी, फिर कमर, फिर भौंहें। जो भी मैं आपको यहां पर क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे ये प्रीवियस एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो 4, 2, 1 से शुरू हो रहा है। तो मुझे ये बता दो सबसे पहले बताओ क्या आना चाहिए बताओ। या तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे शरीर में, या ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले बताओ क्या आएगा, घुटना आएगा कि नहीं आएगा बताओ। घुटने से पहले नीचे कोई चीज है कि इसके अंदर, या तो आरोही क्रम या फिर अवरोही, या तो बढ़ते क्रम में ले लो या फिर आप घटते क्रम में ले लो, वो बात
हम करेंगे ऑप्शन से, ठीक है? उसकी बात तो ऑप्शन से समझ में आएगी ना, या फिर उसमें अवरोही में दे रखा है, आरोही में, डिसेंडिंग में दे रखा है, असेंडिंग में दे रखा है। तो सबसे पहले बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आना चाहिए घुटने। क्या आना चाहिए? घुटने। घुटना आ गया। घुटने के बाद क्या आएगा? नाभि, ठोड़ी, कमर, भोए। अब ये देखो, ठोड़ी भी ऊपर है, भोए भी ऊपर है, कमर और नाभि देखो, नाभि कहाँ होती है बताओ? कमर पहले आएगी या नाभि पहले आएगी बताओ? पहले कमर आएगी। नाभि कहाँ होती है? कमर पूरी ऊपर होती है और नाभि कहाँ होती है? नीचे होती है। तो नाभि कहाँ आएगी? पहले आएगी। और कमर कहाँ आएगी? उसके बाद आएगी। उसके बाद देखो, ठोड़ी आएगी या पहले भौहें आएंगी? ठोड़ी आएगी, फिर क्या आएगी? भौ आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 12435 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12435 आना चाहिए। लेकिन इसमें ऑप्शन में ये है नहीं। तो पहले क्या आएगा? फर्स्ट क्या है? घुटने। और चार नंबर पर क्या है? कमर थी ना, तो कमर को पहले ले लो चार, और उसके बाद क्या दे रखा है? नाभि। तो 14235, 14235 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? पहले क्या आएगा? घुटने। उसके बाद क्या आएगा? कमर आती है उसके बाद, कमर। ठीक है, उसके बाद क्या आती है? नाभि। उसके बाद क्या आती है? ठोड़ी। फिर क्या आती है? भौहें। बात आ गई समझ में? तो हम उससे ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। बात समझ बैठ रही है कुछ? थोड़ी बहुत नहीं बैठ रही है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, पहला है उत्तर लेखन। पहला क्या है? उत्तर लेखन। दूसरा है उत्तर पुस्तिका। तीसरा प्रवेश पत्र। चौथा प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र के बाद है लास्ट है आपका परीक्षा फॉर्म। परीक्षा फॉर्म। आपको, आप तैयारी जो भी कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो ये तो आपको चीजें आनी चाहिए। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि उत्तर लिखते हैं कि सबसे पहले आप जाते ही फॉर्म भरते ही उत्तर लिखते हैं? नहीं। उत्तर पुस्तिका मिलती है सबसे पहले? नहीं मिलती। प्रवेश पत्र मिलता है? नहीं। प्रश्न पत्र मिलता है? नहीं। सबसे पहले क्या क्या मिलता है? सबसे पहले हम परीक्षा फॉर्म भरते हैं, और परीक्षा फॉर्म का नंबर सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले हमको 5 लिखना पड़ेगा। एक नंबर इसको मत डाल देना आप, ठीक है? 5। उसके बाद जैसे आपने परीक्षा फॉर्म भरा, उसके बाद आपको क्या मिलता है? प्रवेश पत्र मिलता है, तो आपको 3 नंबर डालना है। 3 नंबर। फिर क्या मिलता है आपको? आप प्रवेश पत्र के बाद क्या आना चाहिए आपको? उत्तर पुस्तिका ही तो मिलती है। उत्तर पुस्तिका मिलती है सबसे पहले। क्या मिलती है? उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका में क्या होता है? प्रश्न पत्र होता है, और फिर क्या लिखते हैं उसका? हम उत्तर लिखते हैं। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 53241। इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। समझ में आया ना? देखो, पहले परीक्षा फॉर्म हमने भर दिया, फिर हमको प्रवेश पत्र मिल गया, फिर हमको दोनों चीज मिलती हैं, मतलब कि आंसर शीट और क्वेश्चन, मतलब जो बुकलेट होता है उसमें दोनों चीज मिलती है, उत्तर पुस्तिका भी साथ मिलती है। तो उत्तर पुस्तिका उसको कहते हैं, उत्तर लिखने की पुस्तिका। तो उत्तर पुस्तिका तो मिलती है हमको सबसे पहले, उस पे तो हम नाम लिखते हैं, जिस पर हम OMR भरते हैं वो उत्तर पुस्तिका कहलाती है।
और उत्तर पुस्तिका हमको पहले ही मिल जाती है, फिर हम क्या करते हैं उस पर, हमको क्या करते करते बताओ, फिर से प्रश्न पत्र होता है उससे हम उसमें आंसर देखकर लिखते हैं, तो उत्तर लिखते हैं, उत्तर लेखन उत्तर लिखते हैं, समझ में आ गए ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला आएगा हवेली, कार्टेज, पहला आएगा हवेली, फिर क्या आएगा दूसरा, कार्टेज, फिर तीसरा क्या आएगा, महल, तीसरा क्या आएगा, महल, चौथा है कैबिन, फिर क्या है, विला। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हवेली, कार्टेज, महल, केबिन, मेला में से सबसे पहले क्या आएगा बताओ। सबसे पहले तो कोई केबिन होता है, तो केबिन होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, आपने देखा होगा छोटा छोटे छोटे केबिन बनाते हैं अपन, तो सबसे पहले जो बिल्कुल जगह है ना वो क्या है, सबसे पहले आएगा केबिन की, किसकी आएगी, केबिन बहुत छोटा होता है, केबिन से बड़ा होता है कार्टेज, क्या होता है, कार्टेज, केबिन पहले आएगा, केबिन फिर क्या आएगा, कार्टेज, फिर क्या आएगा, कार्टेज, उसके बाद क्या आएगा, आपने सुना है आंगन विला, मनोहर विला, विला का मतलब क्या होता है, घर होता है, क्या होता है, घर, तो फिर आएगा उसके बाद विला, पांचवा, फिर उसके बाद विला से बड़ा क्या होता है, महल होता है, क्या होता है, घर से बड़ा क्या होता है, महल, नहीं सॉरी क्या आएगा, विला से बड़ा क्या आएगा, हवेली आएगी, क्या आएगी, हवेली, और फिर क्या है लास्ट में, महल, फिर क्या है, महल, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसका, बोलने पर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, 42513 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक हमने 5 क्वेश्चन और इसके बेसिक डिटेल के बारे में पढ़ा, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।